हमारा दिमाग एक बड़ी बैटरी की तरह है, या यूं कहिए कि ये न्यूरॉन नाम की छोटी छोटी लगभग 86 बिलियन बैटरी से बना हुआ है। हमारे मस्तिष्क और शरीर की पेशियां विद्युत संवाहक होती है और इसी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की मदद से नर्वस सिस्टम बॉडी और ब्रेन के बीच सिग्नल्स यानी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करती है। चलो ये बात तो बड़ी ही सरल और जानी पहचानी थी, पर क्या आप ये जानते हो, साइंटिस्ट्स, न्यूरोसाइंटिस्ट्स या तंत्रिका विज्ञान में काम करने वाले लोगों ने ये अंदाजा लगाया है कि जब शरीर में कोई अवयव सही से काम नहीं करता तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है मस्तिष्क और उस अवयव के बीच में हो रहे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में मुश्किलें या बाधाएं आ रही हो, और अगर उस विद्युत प्रवाह को मानवीय हस्तक्षेप से सही कर दिया जाए तो क्या वो अवयव पहले जैसा नॉर्मल होगा? वाओ, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, राइट? इफ योर क्लोज्ड वंस आर सफरिंग फ्रॉम एनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देन दिस वीडियो वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प। प्लीज वॉच टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट। वैसे देखा जाए तो न्यूरोसर्जरी का इतिहास 7000 साल पुराना है। प्राचीन काल में जब लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसीजेस या मानसिक समस्याएं आती थी तो उन्हें ये तो समझ आता था कि ब्रेन में ही कुछ गड़बड़ी हो रही है, पर भूत प्रेत पिशाच इसके साये से ये हो रहा है ऐसी उनकी मान्यता थी। अब उन भूतों को दिमाग से खदेड़ने के लिए खोपड़ी पर छेद किए जाते थे। उत्खनन में कई जगहों पर तो 1% से भी ज्यादा ड्रिल स्कल्स मिले हैं, जिससे ये समझ आता है कि मानसिक समस्याएं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कई सालों से कॉमन बात रही है। आज के वक्त में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो दुनिया के टॉप 6 न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कुछ इस तरह से है। 1 पार्किंसंस डिसीज एंड एसेंशियल ट्रेमर्स, 2 एपिलेप्सी एंड सीजर्स, 3 अल्जाइमर डिसीज एंड डिमेंशिया, 4 डिप्रेशन, 5 डिस्टोनिया और 6 ओसीडी। भले ही आज का चिकित्सा विज्ञान आज इतना प्रगतिशील हुआ है, पर तंत्रिका संबंधी समस्याओं में आज भी 1/3 पेशेंट्स पर दवाइयों का असर नहीं होता, उल्टा दवाइयों की वजह से उन्हें खतरनाक साइड इफेक्ट से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए 1987 में डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन DBS इस पद्धति का फ्रेंच न्यूरोसर्जन अलीम लुइस बेनाबिड द्वारा गलती से शोध लगाया गया। न्यूरॉन, जिसे हम एक इलेक्ट्रिक बैटरी की तरह देख रहे हैं, इसकी हर वक्त चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहती है। ऑन और ऑफ, इन दो अवस्थाओं से ये गुजरती है। जैसे कंप्यूटर में 0 और 1 की बाइनरी लैंग्वेज होती है, ठीक उसी तरह ब्रेन सेल्स में ऑन और ऑफ, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बाइनरी लैंग्वेज बोली जाती है। इसे एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। जब कई सारे न्यूरॉन्स एक ग्रुप बनाकर सेम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं तो हम उसे सर्किट्स कहते हैं। जब ये सर्किट्स सही रिदमिक ऑसिलेशन में उन्हें दिया हुआ स्पेसिफिक काम करते हैं, जैसे स्मेल डिटेक्शन सर्किट, साइट डिटेक्शन सर्किट, मोटर लोकोमोशन सर्किट, तब अपनी बॉडी हेल्दी स्टेट में होती है। पर जब किसी सर्किट में ऑसिलेशन का रेट ऑफ रिदम चला जाता है, यानी जरूरत से ज्यादा या कम हो जाता है, तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग में दिक्कत पैदा होती है। उदाहरणार्थ पार्किंसंस डिसीज और एसेंशियल ट्रेमर्स में ब्रेन के डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है, जिससे डोपामिन शॉर्टेज आता है। इसके लक्षण है हाथ पांव हिलना या स्नायु कठिन होना। दूसरा है एपिलेप्सी और सीजर्स, यानी दौरे पड़ना। इसमें व्यक्ति दांतों तले जीभ दबाकर चक्कर आकर गिर पड़ता है। इस केस में ब्रेन सर्किट की एक्टिविटी अचानक से बहुत बढ़ जाती है। अल्जाइमर डिसीज और डिमेंशिया में स्मृति केंद्र डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे भूलने की बीमारी होती है। डिस्टोनिया में बॉडी पार्ट्स ट्विस्ट होने लगते हैं, जो बहुत ही जानलेवा हो सकता है। तो एक व्यक्ति OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में जर्म से डरने लगता है, इसलिए जरूरत से ज्यादा हाइजीनिक बन जाता है। एक बार एक डॉक्टर ने एक महिला पेशेंट की दास्तान बताई, जिसे OCD था। उसने अपने नवजात शिशु की क्लीनिंग इतनी ज्यादा बार की थी कि उसकी त्वचा घिस घिस कर लाल पड़ गई थी। तब चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये लोग समझ तो पाते हैं कि जर्म्स का ये डर बस उनके दिमाग में है, असल में नहीं, पर फिर भी ये क्लीनिंग की फीलिंग को वो रोक नहीं पाते। तो आखिर में है डिप्रेशन और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की समस्याएं। पिछले कुछ सालों में इन सभी समस्याओं को ठीक करने का
DBS एक अच्छा उपाय बन के उभर कर आया है। DBS प्रोसीजर कैसे की जाती है? पेशेंट के सर पर दो छोटे छोटे छेद बनाकर उसमें से लीड के दो इलेक्ट्रोड्स को स्पेसिफिक ब्रेन एरिया में डीप इम्प्लांट किया जाता है। फिर उन्हें दो पतली इंसुलेटेड वायर की मदद से सिर, कान, गर्दन से नीचे होते हुए छाती की त्वचा के अंदर तक लाया जाता है, जहां स्टिम्युलेटर नाम के इलेक्ट्रिक पल्स जनरेटर डिवाइस से उसे कनेक्ट कर दिया जाता है। इस यंत्र का रिमोट बाहर किसी डॉक्टर या फील्ड एक्सपर्ट के हाथ में होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंट्रोल करके ब्रेन सर्किट्स में सुधार लाने में मदद करते हैं। The aim of this emerging technology is to fix abnormal brain circuits, and the purpose is better health through electricity. When I first heard about this technology and the miracles it does, it blew my mind, and I couldn't stop myself making a video on this. I hope you also got surprised as me. Thank you for watching. See you in the next. Jai Hind.